दोस्तों आज हम लोग समझने वाले हैं इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर के बारे में। पता ये इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर क्या होता है? नहीं पता ना तो ध्यान से सुनना। मेरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दो डिपार्टमेंट है। कौन कौन सा सर जी? एक डिपार्टमेंट है जो ना कागज बनाता है। और पता है कागज कैसे बनता है? हाँ सर जी, कागज तो बांस से बनता है नॉर्मली, तो बांस का लकड़ी से ये बनता है कागज। बांस का पेड़ भी होता है मेरे भाई, हाँ उसी का यूज किया जाता है, उसी का लकड़ी का। अब सर ये जो कागज बनाते हैं ना, लेकिन इसके साथ साथ ना हम लोग का प्रिंटिंग प्रेस है। हमारे यहाँ पर बुक भी प्रिंट किया जाता है, बुक कॉपी ये सब प्रिंट होता है। तो आप मेरे को एक बात समझाइए, अगर मेरे को बुक कॉपी जो भी प्रिंट करना पड़े, इसके लिए जरूरत पड़ेगा किसका? कागज का। कागज का पड़ेगा ना? हाँ भाई, इंक का भी पड़ेगा पता है, लेकिन कागज का पड़ेगा कि नहीं ये बता? पड़ेगा ना कागज का। अगर कागज का जरूरत पड़ने वाला है तो आप मेरे को बताइए, हमें कागज बाहर से खरीद के लेके आना चाहिए कि अपने ही डिपार्टमेंट से मंगवाना चाहिए? सही बताया, अपना ही डिपार्टमेंट। भाई जब घर में बन रहा है तो बाहर से क्यों लेके आए आप बताइए तो? हाँ पहले घर में जो सामान है भाई उसको ना यूज करेंगे, नहीं रहता तब बाहर से मंगवाते। ठीक है सर जी, तो अब क्या होने वाला है? हाँ अब ध्यान से सुन, तो मतलब मेरा दो डिपार्टमेंट है। कौन कौन सा? एक है कागज बनाता है और दूसरा है जो बुक कॉपी प्रिंट करता है। तो मेरा जो डिपार्टमेंट कागज बनाता है ना, वो तो बनाता ही है और साथ साथ ना कागज सेल भी करता है। कोई खरीदना चाहे तो मेरे यहाँ से कागज खरीद के लेकर जा भी सकता है। ओ अच्छा सर जी, हाँ मतलब कागज का डिपार्टमेंट बाहर वाले को भी बेचता है सामान और अपने डिपार्टमेंट को भी देता है। लेकिन एक खूबी है, अभी जो सवाल सीखने वाले हैं ना बहुत ही आसान है। इसमें क्या होने वाला है ना, जो मेरा डिपार्टमेंट है जो बुक बनाता है मतलब प्रिंट करता है या कॉपी प्रिंट करता है, उसको हम लोग कागज देंगे लेकिन कॉस्ट पर देंगे। कौन से प्राइस पर? कॉस्ट। तो कॉस्ट पर कोई झमेला नहीं होता, बहुत ही आसान होता है। तो सर इसमें ट्रीटमेंट क्या होगा बताइए ना? बताते हैं, देख बहुत ही ईजी ट्रीटमेंट है इसका। देखो ध्यान से, जैसे कि मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, हाँ सर ये कागज बनाता है। एक है मेरा दोस्त डिपार्टमेंट बी, ठीक है सर। इसने इसको दिया, क्या दिया सर? 10,000 रुपया का कागज दे दिया इसको दिया। तो बता इसके लिए, ये तो माल भेज रहा है ना, तो इसके लिए एक तरह से ये क्या है, परचेज है कि सेल है? बता, डिपार्टमेंट ए के लिए एक तरह का सेल है। सही बताया, बिल्कुल सही, एक तरह सेल है। ये इससे खरीदेगा, हाँ सर, तो इसके लिए क्या हो गया? बिल्कुल सही, परचेज। बता इतना संभाला? हाँ बहुत अच्छा। मतलब सर आप जब अभी डिपार्टमेंट अकाउंटिंग बनाइएगा ना, ऐसे डिपार्टमेंट अकाउंटिंग मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, ये है ए बी, ए बी ठीक है। तो देखिए सर यहाँ पर जब लिखेंगे ना बाई सेल, हाँ लिख दिए, तो किसके लिए सेल है तुम लोग बताए ना? सर ए के लिए तो सेल हो गया क्योंकि ए माल दे रहा है, ठीक है, तो ए के लिए सेल दे रहा है, तो ए के यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। हाँ सर जी समझ में आया सर, और सेल के जगह पर लिख देंगे ऐसे बाई डिपार्टमेंट बी, या और भी तरीका है लिखने का, हम तरीका सिखा दे रहे हैं, घबराना मत, और भी तरीका से इसको लिखा जाता है ऐसा मत सोचना। हाँ अच्छा, बी के लिए क्या था? ये परचेज था। अब परचेज कहाँ लिखते हैं? परचेज सर, परचेज का इधर आता है, तो टू क्या परचेज लिखे ना? परचेज नहीं लिखेंगे, इसके जगह पर लिखेंगे अमाउंट लिखे बी में ना, कहाँ लिखे? बी में, ध्यान से किस में लिखे अमाउंट? बी में, तो लिखेंगे टू डिपार्टमेंट ए, क्योंकि जिसमें जिसका अमाउंट लिखते हैं ना उसमें उसका नाम नहीं लिखते हैं। हालांकि इसको लिखने का, इसको प्रेजेंट करने का और भी तरीका है, वो तरीका भी सीखेंगे, लेकिन पहले ये क्लियर कीजिए आप लोग मेरे को, ये जो पर्चे लिखे और सेल लिखे ये आपको समझ में आया? बहुत अच्छा, नहीं आया तो फिर से देख बैक करके वीडियो। सर फिर भी नहीं आया तो? अरे भाई इसके बाद भी वीडियो बनेगा, आपका भाई सिखाएगा समझाएगा, घबराना मत। हो सकता है किसी को ना समझ में आए, तो आगे है ऐसा दुनिया भर का आने वाला, हर एक क्वेश्चन में आने वाला है। ठीक है सर, तो एक सवाल में आइए ना, देखो बाबू एक सवाल में आते हैं। ये रहा सवाल आपके सामने, दिखाई दिया आप सभी को, चल दे दिया तब तो ये बहुत खुशी का बात है, दिखाई दिया ना बाबू? हाँ देखो ऊपर में कुछ नाम दिया है, सबसे पहले दिया स्टॉक, स्टॉक मीन्स
देख कोई डेट दिया हुआ बगल में। हाँ सर, देख के लग रहा है, एक अप्रैल देख के ही समझ गए सर जी, ये ओपनिंग होगा। हाँ, ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, वेजेस, ठीक है, फिर सैलरीज। तो आपको बताए होंगे वेजेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में, सैलरीज पीएल में। बहुत अच्छा, लाजवाब। फिर वीडियो को लाइक करने भूल गया ना, कमेंट कर दिया कर। फिर क्या लिखा हो देखो, गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स एट कॉस्ट, ये क्या है बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार करो, इसको हम समझाएंगे क्या है। उसके बाद बगल में देख क्या लिखा हुआ है सर। फिर और एक स्टॉक दिया, लेकिन ना उसमें लिखा 31 मार्च 2021, ये क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक, सेल्स, बिल्डिंग। अच्छा, बिल्डिंग, बिल्डिंग तो एसेट्स है ना मेरे भाई। हाँ, क्यों लिखा यहाँ पर आके इस एसेट्स को, अभी तक देख देख रहा था कि थोड़ा खर्चा, इनकम, एक्सपेंसेस आ रहा था परचेज से, लेकिन सर ये आ गया यहाँ पर बिल्डिंग, मतलब एसेट्स क्यों लिखा समझते हैं। फिर मशीनरी, ठीक है, मशीन लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा, नंबर ऑफ स्टाफ दिखाई दिया आपको, नंबर ऑफ स्टाफ, हाँ सर लिख गया। अब लिखा नीचे सर कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे कि कैंटीन एक्सपेंसेस, ठीक है, एडवर्टीजमेंट, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है सर, क्या करेंगे बता रहे हैं, क्या क्या करना है, अगर आपको जितना आता है उतना पुट कीजिए, कीजिए करो ना, जितना आता है उतना पुट करो ना मेरे भाई। अच्छा बात है, कर लिया था। दूसरा देखो नीचे में क्या क्या दिया है, कैंटीन एक्सपेंसेस, मैंने कैंटीन का खर्चा लगा, इसको कैसे बांटते हैं। वाह, वेरी गुड, जबरदस्त, अच्छा तुमने होमवर्क किया है, मतलब नंबर ऑफ स्टाफ में, बहुत अच्छा। एडवर्टीजमेंट को कैसे, अरे तेरे को तो पता है दोस्त, आगे से सेल्स रेशियो में, वेरी गुड। अब कौन सा सेल्स, नेट सेल्स सर। डिप्रिसिएशन 10% निकालना है फिक्स एसेट्स पर, तो फिक्स एसेट्स कौन कौन सा है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, और डिप्रिसिएशन कहाँ जाता है, पीएल में, वेरी गुड, इसीलिए वो लोग एसेट्स दिया था। अच्छा अब एक काम करना, यहाँ जो डेट दिया है ना, हम थोड़ा सा डेट चेंज कर दे रहे हैं, क्यों अभी नहीं समझा सकते आपको, बस अब आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है सर। जो डेट दिया रहता था वही अगर रहता तो क्या हो जाता, वो भी सिखाएंगे, सिखाएगा आपका भाई, वो रहता तो क्या हो जाता, ट्रीटमेंट में कुछ चेंज होता क्या होता, वो भी आपका भाई सिखाएगा, लेकिन अभी नहीं दोस्त, हमको पता है कब क्या सिखाना है, बस आपको वीडियो शेयर करते जाना है, दोस्तों को बताना है। चलो तो देख, हम आशा किए तुमको जो जो आता था ना, वो हम नोटा मोटी, हमको जैसा लगा उस हिसाब से हम पुट कर दिए, जो मेरे को लगा कि तेरे को, आप लोगों को ये सब आता होगा, देख उस हिसाब से हम पुट करके रखे, क्यों आपको पता है टाइम बहुत सेव करना है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर लिखा हुआ था एक सबसे पहला पॉइंट, देखो ध्यान से, गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स, अच्छा मतलब अमाउंट कहाँ लिखा, देखो ना अमाउंट, अमाउंट वाई के घर में लिखा, पता है क्यों, बोल रहा है गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स, मतलब डिपार्टमेंट एक्स से माल आया है किसके पास आया है, डिपार्टमेंट वाई के पास आया है। तो यहां समझ, इसका मतलब डिपार्टमेंट एक्स ने वाई को माल भेजा, डिपार्टमेंट एक्स ने वाई को माल भेजा, भेजा मतलब एक्स के लिए सेल है और वाई के लिए परचेज है, इसलिए देख वाई के कॉलम में यहाँ पर अमाउंट दे दिया। ओ सर जी समझे, तो वाई के लिए परचेज है, देख वाई के कहाँ, वाई में अमाउंट लिखा है ना, बस वाई में अमाउंट लिख दे 10,000, देखा बात सर। अच्छा देख यहाँ पर वाई में अमाउंट लिखे ना, और एक्स के लिए क्या हो गया, सेल, तो एक्स में यहाँ अमाउंट लिख दो। अच्छा देखो ध्यान से, यहां पर ना गुड्स सेंड टू डिपार्टमेंट वाई, वाई को माल भेज रहे हैं, लिख दिए, बोले ना भाई इसको लिखने का और भी तरीका होता है, जो वहां पर सिखाए थे और भी तरीका है, सिखा देंगे हम, तो तुम कुछ भी लिखना सही हो जाए, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन एक चीज देखो, जब वाई में अमाउंट लिखे ना तो यहाँ लिखे डिपार्टमेंट एक्स, और जब एक्स में अमाउंट लिखे ना तो लिखे डिपार्टमेंट वाई, देखा ध्यान रखना पड़ा, ठीक है, इसी को बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, लेकिन ये आस्ते आस्ते टफ होगा, अभी बहुत आसान था। ठीक है, अब आप लोग जल्दी से ना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए,
आता है? हाँ सर, सर यहाँ का टोटल किया हुआ है, ये तो सीखा होगा दोस्त, इस साइड का टोटल एक्स है सर माशाल्लाह, इधर का माइनस कर दो एक्स का, लेस 30,000, 16 लेख 25,000, कितना आ गया 2,45,000। देखा कितना आसान। इसके बाद वाई साइड का कर लो बाबू लोग, हो गया। हाँ सर, अच्छा अब नेट प्रॉफिट निकालना है ना, तो ध्यान देना एडवर्टीजमेंट को बोले थे बांट दिए, सैलरीज दिया हुआ था, हाँ कैंटीन का खर्चा बांट दिए, खाली डिप्रिसिएशन बाकी है, क्योंकि आपको सिखाना है डिप्रिसिएशन कैसे निकालना है, तो आपको आता भी होगा सर। रेट दिया देखिए ना डिप्रिसिएशन का 10%, ठीक है, तो बिल्डिंग के ऊपर कर लें, बिल्डिंग कितना है एक्स का है 4,00,000, वाई का है 5,00,000, ठीक है। लोग कर लेते हैं, बस सर यही कर दिए। हाँ भाई क्यों टाइम वेस्ट करें अपना, कितना आसानी से हो गया। हाँ सर ये मशीन वाला भी कर दीजिए, लो दोनों में ना तुम ऐसे अलग अलग दिखा देना भाई, अलग अलग दिखाना पड़ेगा, एक्स का इतना और वाई का इतना, हो गया सर। हम बाहर में अगर इसको दिखाते तो कोई दिक्कत नहीं, तुम बाहर में भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बात है भाई, टाइम सेव होगा। हाँ अब नेट प्रॉफिट हम क्या निकाले तुम लोग निकाल लेना, इतना तो आता है ना दोस्त। हाँ तो इतना छोटा मोटा करिए, तंग मत करना मेरे भाई, ये नेट प्रॉफिट तो लोग खुद से निकाल सकते हैं, हमको पता है, ठीक है। अब ध्यान देखो यहाँ रेशियो दिया ना नंबर ऑफ वर्कर स्टाफ, देख निकाल दिए, सिखाए होंगे। हाँ सर सेल्स का रेशियो निकाल दिए, और जरूरत नहीं था सिखाने का, ठीक है सर। इतना से नहीं होगा, अभी आपको होमवर्क देंगे, होमवर्क भी करना पड़ेगा मेरे भाई, लेकिन वीडियो को ना दोस्तों तक पहुंचाओ, शेयर्स करो, मजबूरी है दोस्त मेरा भी, नहीं तो हम कभी इतना नहीं बोलते, पता नहीं लोगों तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा है, बस ऊपर वाला और आपका साथ चाहिए। अब तकलीफ तो हमको भी होता है दोस्त, इतना मेहनत करने के बाद जब लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को तो होमवर्क करना पड़ेगा, जो भी रीजन रहा। दिखाई दिया, हाँ सवाल पढ़ लिया, हाँ देखो नीचे लिख दिए हैं, सॉल्यूशन दे दिए हैं, पहले खुद से करेगा, हाँ करने के बाद फिर होमवर्क मिलाएगा, और जो लोग क्लासेस परचेज किया ना उन लोगों को हम इसका पीडीएफ दे दे रहे हैं, तो उन लोगों का हैरेसमेंट कम हो रहा है। हाँ सर देखा आपका भाई कितना कुछ कर दिया है, कि होमवर्क करके भी आप मिला पाइएगा, कि आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा है, कितना कुछ सोच रहे हैं आपके लिए, सोचिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इतना कीजिए, अब नेक्स्ट क्लास फिर मिलते हैं।